नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे एक बार दोबारा से फिर स्वागत है। और आप लोगों का प्यार देखते हुए मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है और आप लोगों के लिए नई नई कहानी खोज कर लाने का एक जुनून पैदा होता है, यानी मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आया हूँ, वो कहानी एक ऐसी कहानी है कि जिससे बिल्कुल साबित हो जाता है कि सफलता प्रयास करने से ही मिलती है। एक बार एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था, तब उसने रास्ते में देखा दो हाथी पतली रस्सी से बंधे हुए हैं। तब अचानक रास्ते से गुजरे रहे व्यक्ति के मन में सवाल आया कि इतने ताकतवर हाथी इतनी पतली रस्सी से कैसे बंधे हैं? ये हाथी चाहे तो इस रस्सी को एक झटके में तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? वह आदमी इसके पीछे का कारण जानने के लिए हाथियों की देखभाल करने वाले साधुओं के पास जाता है और एक साधु से पूछता है कि महात्मा जी, मुझे यह बताएं कि इतना विशाल हाथी, इतना ताकतवर हाथी जो चाहे तो पेड़ को भी तोड़ सकता है, लेकिन वह एक पतली रस्सी से बंधा हुआ है, इसका क्या कारण है? मुझे बताने की कृपा करें। तब उस साधु ने उस आदमी को जवाब दिया कि जब हाथी को जंगल में पकड़ने जाते हैं तो वह छोटे बच्चे के रूप में होते हैं और हम उसको एक बड़ी जंजीर से बांध देते हैं और छोटा हाथी उस जंजीर को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। कई दिनों तक जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जंजीर को नहीं तोड़ पाता है। और कुछ दिनों बाद उस हाथी की मानसिकता यह हो जाती है कि मेरे पैरों में बंधी हुई जंजीर को नहीं तोड़ सकता, और फिर वह प्रयास करना भी बंद कर देता है। उसके बाद आप हाथी को भले ही पतली रस्सी से बांधो, लेकिन वह बचपन की मानसिकता के कारण रस्सी तोड़ नहीं पाता, और तब उस आदमी को उन महात्मा की सारी बात समझ में आ गई। दोस्तों, इस छोटी कहानी से एक हमें यही सीखने की प्रेरणा मिलती है कि कुछ लोग इसलिए किसी काम में सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि या तो वो पहले से इस काम में असमर्थ हो गए होते हैं, या फिर किसी ने बोल दिया होता है कि तू ये काम कर नहीं सकता। और जब उस आदमी को इस तरह से सुनने को मिल गया होता है तो वो ज़िंदगी में उस हाथी की तरह प्रयास करना बंद कर देता है और प्रयास नहीं करता। इसलिए हमें यह बात अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हम बचपन की मानसिकता के आधार पर या फिर किसी के कहने के आधार पर हार नहीं माननी चाहिए। जो हम बचपन में थे वो उस समय हमारी मानसिकता अलग थी और अब अलग है, यानी कि हमें एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए और प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक आप अपने संघर्ष को जारी रखिए और एक न एक दिन सफलता को आपके पास आना ही पड़ेगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी लेके आया था आप लोगों के लिए। आपको कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।